नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है एयरलाइंस को स्टार्ट करने को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइंस स्टार्ट करने को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये है कि जब भी स्टार्ट होंगी एयरलाइनें तो आपको 10 दिन पहले नोटिस देकर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 18 तारीख का सोच रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डाउट अब हो सकता है। आगे अगर आपको बता दें, जो ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में फ्लाइटें चलाने की बात हो रही थी तो यहाँ पर भी एयरलाइंस इस पर मना कर रही हैं क्योंकि ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में फ्लाइटें चलाना संभव नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर निकल कर आ रही है दोस्तों जेट एयरवेज से, जहाँ पर कि जेट एयरवेज की जो डील चल रही थी KLM के साथ वो अब फेल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर है दोस्तों, अगर आप ट्रेवल करने वाले हैं अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा या इसके बाद जब भी आप ट्रेवल करेंगे तो जो नियम कानून है एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के वो काफी ज्यादा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आप पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर है आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से। बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही जो रूल्स हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो ये हैं कि 4 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग आपको एयरपोर्ट पर बनाकर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर है लुफ्तांसा एयरलाइन से, जहां पर कि लुफ्तांसा एयरलाइन 130 डेस्टिनेशंस के लिए जो फ्लाइटें हैं वो शुरू कर रही है जून एंड तक, और इसमें मुंबई के लिए फ्लाइटें हो सकती हैं। और इसके लिए कहा भी गया है इसमें कि मुंबई के लिए जो फ्रैंकफर्ट से मुंबई है वहां के लिए उड़ाने होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भारत से करीब 1 लाख से ज्यादा जो फॉरेन के सिटीजन्स है वो यहाँ से अपने देश जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर है वंदे भारत मिशन के फेज 2 को लेकर, जहाँ पर की जो बुकिंग्स हैं वो ओपन कर दी गई हैं और इसके बारे में हमने आपको वीडियो बनाकर बताया भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको बुकिंग कैसे करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर है दोस्तों, जो फ्लाइटों की तैयारियां हैं, जो एयरलाइंस शुरू करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं सभी एयरपोर्ट्स अब इस पर तैयार हैं। केवल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और बड़े बड़े जो अथॉरिटी है उनका इंतजार किया जा रहा है कि कब अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में लगातार इस पर बात हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोटी सी जानकारियां कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हूं विनायक, आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।